मोहब्बत में मंजिलें बहुत सुनहरी लगती हैं, किसी से मोहब्बत मत कर बैठना। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आजकल एक टेली फिल्म जिसका नाम रुपोश है वो पाकिस्तान में ट्रेंडिंग सेक्शन की जीनत बनी हुई है। इस फिल्म में हीरो का नाम सालार शाह है। ये फिल्म आपने भी ज़रूर देखी होगी। वेल, आज इस वीडियो में हम सालार शाह के लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे। सालार शाह का रियल नेम हारून कादवानी है। हारून 6 सितंबर 1999 को कराची में पैदा हुए। हारून कादवानी की एज 22 ईयर्स है। हारून कादवानी प्रोफेशन से एक एक्टर और मॉडल हैं। हारून के पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी है। अगर हारून कादवानी की एजुकेशन के बारे में बात की जाए तो हारून कादवानी ने मास्टर्स किया हुआ है। अगर हारून कादवानी की हाइट की बात की जाए तो उनकी हाइट 5 फीट 10 इंचज है। अगर हारून कादवानी की फैमिली के बारे में बात की जाए तो हारून की फैमिली कराची में ही रहती है और हारून कादवानी के फादर का नाम अब्दुल्ला कादवानी है, जो कि पाकिस्तान के नामवार एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। उसके साथ ही साथ सेवन स्काई प्रोडक्शन कंपनी के ओनर भी हैं। हारून कादवानी के 2 भाई और 1 बहन है और हारून कादवानी सबसे बड़े हैं। अगर हारून कादवानी की वाइफ के बारे में बात की जाए तो हारून कादवानी अनमैरिड हैं। अगर हारून कादवानी के फर्स्ट ड्रामा के बारे में बात की जाए तो उसका नाम इज़्ने रुखसत था। उसके बाद इनका बहुत ही एक मकबूल ड्रामा था जिसका नाम था मोहब्बत तुमसे नफरत है। यह ड्रामा इन्होंने आयजा खान के साथ किया था। इसमें इन्होंने अली का रोल अदा किया था। अगर हारून कादवानी की नेटवर्थ के बारे में बात की जाए तो इनकी नेटवर्थ 14 मिलियन USD हैं। अभी थोड़े ही दिन पहले हारून कादवानी की एक टेली फिल्म जिसका नाम रुपोश था वो जियो टीवी पर नशर की गई। इस फिल्म को देखने के बाद मदाहों ने हारून कादवानी को तनकीद का निशाना बना लिया। हारून कादवानी पर तनकीद की जाने वाली बात यह थी कि आप फिरोज खान के स्टाइल को कॉपी करते हो और आपने उनकी शिनाख्त को चुराया है, आप अपनी पर्सनैलिटी डिवेलप करें। अब आप अपने कीमती कमेंट से मुझे आगाह करें, क्या आपको लगता है कि हारून कादवानी भी फिरोज खान की कॉपी करते हैं या नहीं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शोबिस से 24 घंटे बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।